अब तक आपने देखा, मैं आज के बाद कुश्ती ना लड़ूंगी। जी भाई। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। मामा जी, मैं ना आप सबको पंजाब लेके जाने आई हूँ। पता है वहाँ पे होली का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। अरे सुनो, प्लीज मेरे लिए कोई गरम गरम सा नाश्ता बना दो। जी बिल्कुल, मैं तब भी कुश्ती लड़ूंगी जब लक्की जी खुद मन ने कहेंगे। कोमल, कुश्ती लड़। ये है कौन? तो इस घर की छोटी बहू, मतलब हमारी बीवी से। बाबूजी ने हमारी जबरदस्ती शादी इससे कर दी थी। अब मैं आ गई हूँ ना भाई, इसे अब मैं आपकी जिंदगी से उखाड़ फेंकूंगी। अब आगे। राम राम कमला बहन, मालती बहन, राम राम। नमस्ते, कैसे आना हुआ? राम गीता, हमारा घर में तो आज दंगल ना हो रहा, फिर तू कौन सा तमाशा देखना आई है यहाँ? और गीता, ये मिठाई का डब्बा हाथ में लेके क्यों आई है? ये खुशखबरी है। अरे मैं तो आप लोगों को मिठाई देने आई थी, सोचा पूछ लू के परेशानी है घर में, तो दुख बांटने चली आई। परेशानी ना? हमारे घर में कोई परेशानी ना है, किस बात की परेशानी हो सकती है? अरे मालती, हर साल तो होली के दो दिन पहले ही आप लोगों के घर से गुजिया मिठाइयां सब बटनी शुरू हो जाती है, और इस साल तो गुड़ का एक टुकड़ा भी ना आया। सोचो पूछ लो के बात है, गांव वालों से कोई नाराजगी हो गई के? मैं तो आप लोगों के लिए यो गुजिया लेके आई हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, क्यों तकलीफ की? और ये चार गुजिया, बोझ तो ना लगा था ना रास्ते में? ये हमने तो कमरा खाली कराना पड़ेगा ना दरने के लिए। बात बनाया रही है गीता, भाभी का कहना का मतलब ये है कि क्यों तकलीफ की तूने फालतू में, इसकी कोई जरूरत ना थी। देखो हर साल तो आपके घर से पूरे गांव में मिठाइयां बटती है, पर इस साल अब ना बटा तो मैं ही ले आई। अब बुरे वक्त में तो अपने ही काम आवे है ना। ये बुरा वक्त आ जा मारे दुश्मनों का, मारा क्यों आता? इस साल भी हर साल की ताई गुजिया बटेगी अलावत खानदान का पूरे गांव में। बता रही हूँ, यो कमला सिंह अलावत का वादा से तेरे ते समझ में आ गई तने? वाह, ये हुई ना बात। हाँ तो अपनी खानदान की परंपरा थोड़ी तोड़ेंगे हम, क्यों मालती? ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ, और ये जो चार गुंजिया तू ले आई है ना, इसका गणा ही गणा धन्यवाद तेरा। अच्छा अब चालू सु, घर में बहुत काम पड़ा से। राम राम। हाँ तो हम कौन सा तने बैठने को कह रहे हैं, जा। आहे मालती, ये भामे गुंजिया बना के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो देखिए तने किसी मुंह की थी या चार लुगाइयों में और बात बनाओगी, पूरे गांव की आग की ताई पलाए देगी मारी बात, इज्जत पर बात आ जाएगी मारी। पर भाभी यो क्यों भूल रहे हो कि आज रात को ही हम सबने पंजाब जाना है, कहाँ टाइम पड़ा है गुजिया बनाने का, और कोई सामान भी ना है हमारे पास। वो तो बात ठीक से है मालती, रंग पर से भी चुनर वाले। भाभी हाँ, क्यों हुआ करीना बहन जी? क्या बात है भाभी, आप तो इतना तैयार व्यार हो गए, कहीं जा रहे हो? वो क्या है ना, हर साल होली की शुरुआत मैं अपने माँ के पैरों में गुलाल लगाने से करती हूँ, तो मन ने सोचा इस साल भी मैं चली जाती हूँ उनसे मिल के आ जाऊंगी, इसलिए मालती माँ जी को ढूंढ रही हूँ उनकी आज्ञा लेने। ओ तो फिर पता नहीं मैं बताऊं या ना बताऊं। बता दो, क्या हुआ? दरअसल ना वो पास वाली आंटी अभी अभी आई थी, और पता है वो मामी जी को कितना सुना गई। क्यों? पूछ रही थी कि क्या बात है इस बार अहलावत खानदान की गुजिया गांव में नहीं बटी, कह रही थी कि गांव में तरह तरह की बातें हो रही है। अच्छा, मुझे तो बड़ा बुरा लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, अभी गुजिया कौन बनाएगा, तो रहने ही देते हैं। आप तो कहीं जा रही है ना? ना, इब मैं कैसे जा सकती सु, यो गुजिया बनाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे जो है, आप टेंशन ना लो, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगी गुजिया सारे गांव के लिए। हाँ वैसे ये भी बहुत अच्छा आइडिया, चलो चलो। हाँ चलिए। Ah.
अरे छोरे कुछ ना हुआ हमारे को, ध्यान ना रखते हो ना आप अपना। अरे नाना ऐसी बात ना, से वो मैं माद्री को ना खेत तक लेकर गई थी तो एड़ियों में दर्द शुरू हो गया। मैं बड़े दिन से देखता हूँ आप अपनी चप्पल नहीं पहनते, कहाँ है आपकी चप्पल? अरे चप्पल मारी टूट गई से, थारी बाबी को कितनी बार बोला कि ठीक करवा दे, लेकिन वो मारी बात को ना सुनी अनसुनी कर देती और अपने काम में लग जाती। आपको पता है ना बाबी को कोई भी काम बोलने से वो काम कभी पूरा नहीं होता। अरे आप मुझे बोल देते मैं आपके लिए चप्पल ले आता, आप नंगे पैर घूम रहे, पैर की हालत देखो आप। नाना छोरे मारे लिए ना नई चप्पल मत लेकर आयो, थारे को मारी कसम। इतनी छोटी सी बात के लिए आप मारे को कसम दे रहे हो, बताओ क्या बात है? अगर तू मारे लिए नई चप्पल लेके आवेगा तो थारी भाभी सारे घर में भवाल खड़ा कर देगी। कभी कभी तो मारे को समझ में नहीं आता कि मैं आपको क्या कहूं। ठीक है मैं आपके लिए नई चप्पल नहीं लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए आपकी पुरानी वाली चप्पल सिरसा से ठीक करा के लाऊंगा। ठीक है ठीक से, मैं लाइब्रेरी जाऊंगा तो आपकी चप्पल शाम को ठीक कराते जाऊंगा। ठीक से छोड़ ले, छोड़ अब छोड़, जा किताबें ले अंदर से, जा अपना बैग ले किया किताबें। भर दी मैंने तो मत। अरे बस माँ जी आप क्यों बना रहे हो, मैं बना दूंगी। पक्का? तो यो कसार मैंने तैयार कर दिया है, इसमें मेवे भी डाल दिए हैं, यो घी रखा है और यो मैदा। अच्छे से घी डाल के मैदे को गूंद लेना और ये कसार को अच्छे से भरना उसमें, नहीं तो मजा ना आएगा। जी बिल्कुल आप परेशान ना होइए। हाँ हाँ मामी जी आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, भाभी है ना, भाभी सब संभालेंगी, है ना भाभी? देख पड़ो इस बार कोई गड़बड़ ना होनी चाहिए, अपनी इज्जत का सवाल है, पूरे गांव में भिजवानी है गुजिया। चलिए हम लोग चलते हैं। ठीक है चलो भाभी। हाँ ठीक से बना लेगी, ठीक से बनाना। हेलो कोमल निकल गई घर से? हाँ माँ इसीलिए तो मन ने फोन किया, वो के है ना गांव वालों को अलावत परिवार के गुजिये खाने, इसलिए मन ने ही कहा कि मैं बना दूंगी, तो भी मैं थोड़ी बिजी सू। कोई बात ना छोरी, घर की जिम्मेदारियां ना पहले होवे है, अलावत खानदान के घर से यो जो गुजिये से ना सबके घर में जा, यो उनकी परंपरा से, तू ना अपना काम निपटा ले। ठीक से? बिल्कुल माँ आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द से जल्द बना दूंगी और अब फिर आपसे मिलने आ जाऊंगी। अरे नाना छोरी आने की कोई जरूरत ना है, तू आराम से अपना काम निपटा ले। ये भी मैं रखती सू माँ, बहुत काम से मन ने। ठीक से। छोरे जरा। अरे माँ फिर खड़े हो गए, आपको बोला है ना आप बैठ जाओ, आप बात नहीं सुनते, बैठो आप। अरे कुछ नहीं हुआ हमारे को, ठीक से अभी मैं। आप हमारी बात सुनो, आप बैठ जाओ। क्या बात होगी बताओ? उसे सजारा से ना जी तो गुजिया कोमल को दे दे और कहना कि मैंने सारे परिवार के लिए बनाया इसे, लगता है छोरी इस बार आ ना पाएगी। ले ठीक से माँ, ऐसे इस बार की होली दीदी के बिना होली ना लग रही है, हमारा का सारा घर सूना लग रहा है माँ। हमारा मन भी बहुत उदास हो रहा से, लेकिन के करे छोरी घर के काम काज में व्यस्त से इस बार तो होली पे आ नहीं पाए, बस मारे हाथ के गुजिये खा लेगी ना तो मारे मन को शांति मिल जावेगी। जी क्लास में मत ले जाइयो, कोमल तक पहुंचा दियो। माँ आप चिंता मत करो, ये गुजिया दीदी और दीदी के परिवार तक ना पहुंच जाएगी। ठीक से। अच्छा और आप ध्यान रखना अपना है? और आते वक्त मैं जूते ठीक करा लूंगा। ठीक से ठीक। अब ज्यादा चलना मत, आपके पैर में दर्द हो रहा है। अरे हाँ बाबा हाँ ठीक से छोरे ठीक से। हाय राम। अजीब बोल लिए,
काम में बड़ी अच्छी होली होती थी, कह रहे थे बन गए गुजिए गांव वालों के लिए। भी मैं माँ से मिलती हूँ। इसने तो सारी गुजिया बना ली। मोटी है लेकिन आलसी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि करीना भी किसी से कम नहीं है। मेरे पास भी हर किसी चीज का तोड़ है। अरे माँ जी, हाँ मैं आप ही को ढूंढ रही थी। वो क्या बात है? मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। वो के बोल ना कि मैं करती रहेगी। मैं यो कह रही थी ना कि मैंने सारे गुजे बना दिए सर, ये भी ठंडे हो रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं बकरेवाल जाके माँ से मिल लूं और वापस आ जाऊं। वो होली पे तो ना मिल पाएंगे ना। ठीक है, मिलिया। और टाइम का ध्यान रखना। अजय जितेश जरा आना ना। मैंने ना सबके लिए गुजिया बनाई है, जरा टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है गुजिया। ये गुजिया देख के तो ना लग रहा कि आपने बनाई से। हाँ मैंने मैंने बनाई है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही से। ओके आपने बनाई है। मैंने ना कुछ गड़बड़ लाग गैसे है। सुनो बकवास बंद करो, खाओ इन्हें वरना मुंह खोल के ढूंसूंगी। सबको क्रेजी। चल भाग यहां से। बेचारी भाभी, भाभी आपकी तो सारी मेहनत पे पानी फिर गया। कोई आए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। आवाज कैसी आई? रसोई से आई। हे भगवान ये सब क्या हो गया? मामी जी मैं भी आवाज सुन के एकदम भागती भागती आई। मामी जी ये क्या हो गया? ये तो सारी खुशियां बर्बाद हो गई। अब हम इन्हें कैसे बांट सकते हैं ना मामी जी? और अगर नहीं बांटेंगे तो गांव में कितनी धूम धूम होगी। ये प्रॉमिस भी किया और फिर भी खुशियां नहीं बांट सके। पढ़ो, हरा कोई भी काम ना सही तरीके से ना हो सके, जो करती है उसमें गड़बड़ हो जाती है कोई ना कोई। माँ जी इसमें मेरी के गलती सर, पर कोई ना आप चिंता ना करो, मैं फिर से गुजे बना दूंगी। चिंता ना करो,
अरे क्यों ना करूं? भूल रही है, हम सबको पंजाब भी जाना है, टाइम का है हमारे पास। मैं कर लूंगी, आप परेशान ना हो, मैं झट से सारी रसोई साफ करके और गुजिया बना दूंगी। लेकिन भाभी आप कैसे, आपको तो अपनी माँ के यहाँ। हाँ, पर मैं माँ को फोन करके बता दूंगी कि घर में थोड़ा काम से, वो समझ जाएगी। अपने परिवार की इज्जत का सवाल से ना, गांव वालों के सामने बेइज्जती थोड़ी हो सकती है। ठीक है, इब जो करना है ना फटाफट कर, मैं जा रही हूँ अंदर। भाभी आप कितनी स्वीट हो ना, ऐसे कमाल है आपका। चलो अब लग जाओ काम पे। पड़ी आई माँ से मिलने वाली। हेलो माँ, क्या हुआ ना, मैंने जो गुजिया बनाए थे यो सब खराब हो गए, तो मैंने फिर से गुजिया बनाने हैं। माँ माफ कर देना, मैं ना पाऊंगी आपसे मिलने। कोई बात ना छोरी, तू दिल छोटा ना कर। मैं समझू कि घर में कितने काम होवे, बस तू इबना उदास ना हो। मैंने आपका आशीर्वाद लेना था माँ, और आपको होली का रंग भी लगाना था। कोई बात ना छोरी, हारे हिस्से का रंग ना मैं लट्टू और बरधान को लगा दूंगी। और रही बात मारे आशीर्वाद की, छोरी जहाँ भी है हरी माँ का आशीर्वाद हमेशा थारे साथ से। ठीक से माँ, मैं ठीक सो, मैं दिल छोटा ना करूंगी, जल्दी जल्दी से ढेर सारे गुजिये फिर से बना दूंगी। कैसा है तू बरदान? दीदी कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। मैं भी अच्छी सु, बैठ ना, खड़े क्यों? ना दीदी, वो बैठने लगूंगा ना तो हमारी बस छूट जाएगी। और बात यह है कि माँ को आपकी बहुत याद आ रही थी, माँ ने आपके लिए होली के लिए गुजिया भेजी है। मन ने भी आज पूरा दिन माँ की याद सता रही थी। मिल लूं माँ से, पर ना मिल पाई आज। कोई बात नहीं दीदी, अगली बार मिल लेना आप। क्यों? माँ की चप्पल से टूट गई थी, मैंने सोचा सिरसा जा रहा हूँ तो माँ की चप्पल ठीक करा लाऊंगा। रुक, तू यही रुक एक मिनट। निकाल माँ की चप्पल। आज सुबह मैं बोल ही रही थी करीना बहन जी से कि हर साल माँ के पैरों पे गुलाल लगा के ही मैं होली शुरू करती हूँ, पर इस साल चलो कोई नहीं, इब माँ की जूती पे मैंने गुलाल लगा लिया। दीदी माँ की ये चप्पल आपके गुलाल के साथ माँ तक पहुँच जाएगी। माँ को मेरा प्यार भी देना ढेर सारा। ढेर सारा, चलू मैं। माँ? कोमल? हाँ माँ। छोरी हरे को होली की बहुत बहुत बधाई। मैं अपने पैर जुत्ती में डाल रही हूँ। लगा दिया ना तन्ने मारे पैरों को गुलाल। हाँ मारी होली शुरू हो गई से। आशीर्वाद भी दे दो ना माँ।
छोरी मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँ हूँ कि यो होली थारे लिए इब तक की सबसे अच्छी होली रवे और थारी जिंदगी में लाखा अपने प्यार के सारे रंग भर दे, हमेशा खुश रहे, जीती रहे छोरी, जीती रहे। देखो ना माँ, मैं आपके पास ना आ पाई पर फिर भी आपके पैरों पे गुलाल लगा ही दिया मैंने। आपने गुजिया बड़ी स्वादिष्ट बनाई। मैंने पता था मारे हाथों के गुजिये थारे को बहुत पसंद से, इसलिए तो मैंने भेजे। ठीक से छोरी, राजी रहे, खुशी रहे।